इस वीडियो में आपको तीन चीजें बताना हूँ, चेकबुक कैसे भरा जाता है, चेकबुक कैसे यूज करना है, चेकबुक आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने पीएनबी बैंक का ये चेक आप किसी बंदे को देते हैं, मान लीजिए आप किसी बंदे को 10,000 रुपया दिया चेक के माध्यम से, अब उस वो जो बंदा है उसका अकाउंट पीएनबी बैंक में नहीं है, ये जो चेक है ये तो पीएनबी बैंक का है, आपका खाता पीएनबी बैंक में है और आपके पास ये पीएनबी बैंक का चेक है, आपने 10,000 का चेक काट के दिया उस बंदे को, लेकिन उस बंदा का अकाउंट पीएनबी बैंक में नहीं है, किसी अन्य बैंक में नज़दीक में, मान लीजिए उसका नज़दीक में उसका एसबीआई बैंक है, उसका उसी में खाता है, तो इस चेक के माध्यम से वो किस तरीके से वो एसबीआई बैंक से पैसा का निकासी करेगा, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उससे पहले बता दूँ हमारे चैनल पर पीएनबी बैंक से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है, अगर आप डेटेड प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएनबी बैंक के चेक से रिलेटेड इस वीडियो में आपको सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये जो चेक है चेक के निचले हिस्से में गाइज बहुत सारे नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे 6 डिजिट ही ऐसा है जो आपका चेक नंबर है। अगर आपको बैंक में पैसा जमा करवाना है चेक के माध्यम से, अगर अकाउंट में पैसा जमा कराना है, चेक के जस्ट ऊपरी हिस्से में बाएँ बगल 2 पैरेलल लाइन है, तो डेफिनेटली ये एक अकाउंट पे का यहाँ पे ये निशान है। बैंकर आपको कैश नहीं देगा, वो डायरेक्ट अकाउंट में ही डिपॉजिट करेगा। तो वहाँ पे गए आपको एक जमा पर्ची देगा, उस जमा पर्ची में आपको 6 डिजिट का आपको यहाँ पे चेक नंबर डालना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा चेक के जस्ट निचले में बहुत सारे नंबर है, अधिक नंबर है। तो ये चीज़ है अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा चेक 2 तरीके से गए यहाँ पे भरा जाता है, एक होता है ओपन चेक और एक होता है अकाउंट पे चेक। एक होता है ओपन चेक और एक होता है अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक कैसे पता चलेगा, जस्ट आपको चेक के ऊपरी हिस्से में बाएं बगल 2 पैरेलल लाइन रहेगा, तो समझ जाइए वो अकाउंट पे का चेक है, वो कभी भी आपको कैश आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो अकाउंट में ही मिलेगा। जो बेनिफिशियरी है मतलब चेक पे जिसका नाम है उसके अकाउंट में ही वो पैसे जमा होगा, भले वो आधार कार्ड दिखा के क्यों नहीं जमा कर दे। यहाँ पे देखिएगा चेक भरने का 2 तरीका है, एक है ओपन चेक और एक है यहाँ पे अकाउंट पे चेक, जो कि 2 लाइन रहेगा चेक के ऊपरी हिस्सा बाएं बगल में 2 लाइन रहेगा, तो वो इशारा करता है अकाउंट पे ही चेक। अगर आपको इस तरीके का कोई भर के देता है तो आप कैश डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, कैश काउंटर से जाके आप वो अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करा पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ओपन चेक में आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका पासबुक अगर घर पे छूट गया है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना ही चेक लेके आप डायरेक्ट उसमें भर के बैंक रिकॉर्ड में जो सिग्नेचर रहेगा, मतलब जब आप खाता खुलवाए हैं उस समय का जो बॉक्सेज में आप सिग्नेचर जो दिए हैं वो सिग्नेचर उठा के अगर आप इस चेकबुक के यहाँ पे हस्ताक्षर पे ये देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आप सेल्फ लेके कुछ इस तरीके से आप ये चेक भरते हैं तो डायरेक्ट आप कैश ले सकते हैं बिना पासबुक का। वो यहाँ पे देखिएगा ओपन चेक कैसे भरना है, इस कान से देख लीजिएगा। ओपन चेक कुछ इस तरीके से आपको भरना होता है, अगर आप किसी को चेक देते हैं तो ओपन चेक कुछ इस तरीके से भरना होता है। ओपन चेक में आप यहाँ पे स्वयं अपने लिए खुद का भर सकते हैं, जिसमें सेल्फ लिख सकते हैं, किसी और को भी यहाँ पे नाम मेंशन करा देंगे, उसका आईडी देख के जैसे उसका आधार कार्ड देख के और उसका नाम यहाँ पे डाल के डायरेक्ट आप ओपन चेक भर सकते हैं। वो पीएनबी बैंक में अगर पीएनबी बैंक आप चेकबुक दिए हैं, ठीक है ओपन चेक है, तो तुरंत का तुरंत वो कैश ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अगर सेम बैंक में वो जाता है तो सेम बैंक में जाता है तो तुरंत उसको कैश मिल जाएगा, अगर आप ओपन चेक उसको भर के देते हैं तो। अगर आप उसको अकाउंट पे ही चेक भरते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी के नाम से, जैसे कि मैं यहाँ पे रमेश कुमार के नाम से एक चेक भरता हूँ और जस्ट चेक के ऊपरी हिस्से में बाएं बगल में 2 पैरेलल लाइन दे देता हूँ, तो वो हो गया अकाउंट पे ही चेक। वो जो है वो कैश आप नहीं ले सकते हैं कैश काउंटर से, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप उस अकाउंट पर डिपॉजिट करा सकते हैं, भले आप पीएनबी बैंक में ना जाके किसी अन्य बैंक में ही जाइए, जैसे कि केनरा बैंक, स्टेट बैंक, कोई भी बैंक हो। जैसे कि यहाँ पे यहाँ से देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने गाइज एक यहाँ पे चेक भरा रमेश कुमार के नाम से, ठीक है रमेश कुमार के नाम से हमने एक चेक भरा, रमेश कुमार के नाम से यहाँ पे चेक भरा और रमेश कुमार को दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा उसका खाता पीएनबी बैंक में ही नहीं है, उसका खाता जो है वो एसबीआई बैंक में है, ठीक है हमने उस पर क्या किया 2 पैरेलल लाइन खींच दिया, मतलब अकाउंट पे के रूप में कर दिया, चेक के ऊपरी हिस्से में बाएं बगल में हमने 2 पैरेलल लाइन कर दिया, तो वो जो है वो डायरेक्ट वो अपने बैंक में अगर जाता है ना एसबीआई बैंक में तो वहाँ पे जमा करेगा, तो 3-4 दिन 1 हफ्ता भी लग जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे ओपन चेक तो हमने बता दिया किस तरीके से भरना होता है, स्वयं के लिए कुछ इस तरीके से चेक भरेंगे, अगर किसी और को कैश डायरेक्ट उसको दिलवाना है तो कुछ इस तरीके से भरेंगे। रमेश कुमार के नाम से हमने एक ओपन चेक भरा है, अपने लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने एक चेक भरा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी गाइस आप ले सकते हैं अपने समझने के लिए।
अब दिखेगा यहाँ पे, अब मेरे को क्या करना है, अकाउंट पे के रूप में एक चेक भरना है। तो अकाउंट पे के लिए कुछ इस तरीके से आपको चेक भरना है। ये चेक कैसे वो भजाएगा अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। रमेश कुमार के नाम से हमने अकाउंट पे दो पैरेलल लाइन खींच दिया है, चेक के ऊपरी हिस्से में बाएं बगल में दो पैरेलल लाइन हमने खींच दिया है, जिससे ये समझ में आता है, बैंकर ये समझ जाएगा कि ये जो चेक भरा हुआ है वो अकाउंट में पैसा जमा कराना है। हमने क्या किया, एक चेक भर के दिया पीएनबी बैंक का रमेश कुमार को। रमेश कुमार को पीएनबी बैंक में खाता नहीं है, उसको खाता है एसबीआई बैंक में। तो वो क्या करेगा, ये चेक लेके जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने चेक भरा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर रमेश कुमार एसबीआई बैंक का खाता धारक है तो रमेश कुमार अपने बैंक का जमा पर्ची लेगा, जैसे कि उसका स्टेट बैंक में वो खाता धारक, स्टेट बैंक में उसका खाता है तो स्टेट बैंक का जमा पर्ची ले लेगा। तो जमा पर्ची एसबीआई बैंक का कुछ इस तरीके का होता है, उसमें आपको चेक से देख देख के इस तरीके का आपको ये फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जो पैसा जमा कर रहे हैं, अगर वो चेक का पैसा अपने अकाउंट में डाल रहे हैं तो चेक का डिटेल्स डालें। तो यहाँ पे मैं चेक का डिटेल्स यानी 6 डिजिट का मैं चेक नंबर इसमें डालूँगा, जमा पर्ची उसमें 6 डिजिट चेक नंबर वहाँ पर डालूँगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो चेक है उसमें बहुत सारे नंबर हैं। पहला वाला जो यहाँ पर दिया है, पहला नंबर जो है 6 डिजिट जो होता है वो आपका चेक नंबर होता है, दूसरा नंबर आपका MICR कोड होता है, तीसरा नंबर वो RBI का कुछ यहाँ पे होता है, RBI का ID वगैरह, ठीक है। तीसरा नंबर आपका ट्रांजेक्शन कोड होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का चेक का डिटेल्स होता है, जो कि पहले क्या होता था गाइस, अगर आप दूसरे बैंक का चेक दूसरे बैंक में जाके पैसा लेते थे तो वहाँ पे वो डायरेक्ट चेक को भेजते थे, जिस बैंक का चेक था वो अलग अलग बैंकों में भेजते थे। अब आज के डेट में क्या होता है गाइस, जो बैंक है जिस बैंक में आप जाके चेक का पैसा ले रहे हैं, चेक का पैसा लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए गाइस मेरे को PNB बैंक का चेक है और रमेश कुमार को हमने दिया है। अब रमेश कुमार का खाता PNB बैंक में नहीं है तो अपने बैंक में जाता है SBI बैंक में। अब SBI बैंक में जाता है तो SBI बैंक क्या करेगा वो स्कैन करके डायरेक्ट PNB बैंक को भेजेगा, डिजिटली स्कैन करके भेजेगा। अब यहाँ पे PNB बैंक क्या करेगा, वो चेक को अपने सिस्टम में डाल के चेक करेगा कि ये वैलिड है कि नहीं, सिग्नेचर अपडेट करेगा, ठीक है, डेट देखेगा, 3 महीने के अंदर चेक वैलिड होता है वो आपको भी पता है। अब PNB बैंक क्या करेगा, चेक को क्लियर करेगा, डिजिटली उसके पास आ गया है। पहले क्या होता था गाइस, चेक को भेजा जाता था, अब क्या होता है देखिएगा आज के डेट में क्या होता है। और यहाँ पे स्टेट बैंक है, रमेश कुमार का खाता है SBI बैंक में, SBI बैंक में उसने जाके चेक को यहाँ पे जमा किया। अब SBI बैंक अगर डायरेक्ट उसको भेजेगा PNB बैंक को, तो इसलिए इसमें थोड़ा समय लग जाता है अगर वो बैंक में जाता है SBI बैंक में। अब ये SBI बैंक वो हार्ड कॉपी भेजेगा, अब क्या होगा, हार्ड कॉपी से वो डायरेक्ट मैच कराएगा, PNB बैंक में वो आएगा तो PNB बैंक वालों ने क्या करेगा, वो मैच कराएगा, सिग्नेचर मैच कराएगा, डेट मैच कराएगा, डेट जो है 3 महीने के अंदर ही आपका चेक वैलिड होता है, सिग्नेचर मैच कराएगा, सब कुछ मैच हो जाएगा तो अप्रूवल दे देगा, वो डायरेक्ट अप्रूवल दे देगा, पैसा भेज देगा SBI बैंक को, वो कट जाएगा, SBI बैंक हो जाएगा। अब SBI बैंक का करेगा, आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा, इसलिए इसमें 3 से 4 वर्किंग डेज लग जाता है। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको तुरंत कैश देना है उसको, मान लीजिए मेरे पास ये PNB बैंक का चेक है, अब इस चेक में मैं क्या करूँगा, जिस भी बंदा को मेरे को पैसा देना है उसका आधार कार्ड से देख देके हूबहू उसका नाम लिखूँगा, डेट लिखूँगा और बैंक रिकॉर्ड में जो सिग्नेचर होगा, मतलब जब हमने खाता खुलवाया है तो उस समय का हमने जो सिग्नेचर दिया है बॉक्सेज में लिख लिख के, वो सिग्नेचर हूबहू यहाँ पे इसमें अपडेट करूँगा, इसमें साइन करूँगा, लिखूँगा और उसका नाम उसके आधार कार्ड से देख के यहाँ पे डालूँगा, ठीक है। आधार कार्ड से इसलिए देख के डालूंगा कि ये बंदा अगर वो काउंटर पे जाता है, PNB बैंक के कैश काउंटर पर जाता है तो डायरेक्ट कैश ले सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेक के माध्यम से पैसा भी निकासी करते हैं स्वयं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेक के माध्यम से उस सुकन्या अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा लेंगे या फिर PPF अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लेंगे, बहुत सारे सुविधा है चेक से। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, आज के लिए जय हिंद जय भारत।